रोशन कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सबके कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊ पन को खत्म कर रहे हैं, और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वीः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ओम शांति शांति शांति। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रोना तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बचेंगे जीवन।